हाय किड्स, वेलकम बैक टू बसंत प्ले स्कूल कुसुम बिहार। होपिंग आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जितने लेटर्स को अब तक मैंने सिखाया है आपको, उन सारे लेटर्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, राइटिंग की, लर्निंग की, एंड साथ ही साथ 3-3 वर्ड्स हर लेटर से स्टार्ट होने वाले आपने अच्छे से लर्न कर लिया है। अगर लर्न कर लिया है दैट इज वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम पहुंच चुके हैं अब इस अल्फाबेट्स लर्निंग एंड राइटिंग के 5th सेशन में, यानी कि 5th क्लास में। यहाँ पे हम जे के एल के बाद आने वाले नेक्स्ट 3 लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम हर लेटर से स्टार्ट होने वाले 3-3 वर्ड्स को पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, एंड उसके बाद में हम उसको आप इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। सो किड्स, डू यू नो कि एल के बाद से बाद में कौन सा लेटर आता है? जो लेटर आता है एल के बाद में उसको हम बोलते हैं एम। यस, एम ही वो लेटर है जो कि एल के जस्ट बाद में आता है। इस लेटर को हम क्या बोलते हैं, जो लेटर मेरे हैंड में है इसको हम बोलते हैं एम। यू कैन सी इट, दिस इज येलो, येलो एम। एंड यू नो लाइक मेनी लेटर्स, एम से भी कई सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें उसमें से कितने वर्ड्स को पढ़ने हैं? सिर्फ 3 वर्ड्स को। और फर्स्ट वर्ड जो मेरे हैंड में है एंड जो स्टार्ट होता है एम से, यानी कि इस वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एम। यस, तो एम से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड जो मेरे हैंड में है इसको हम क्या बोलते हैं? यू कैन से दिस, दिस इज मंकी। या इट इज अ वाइल्ड एनिमल एंड इट ऑल्सो लिव्स इन फॉरेस्ट एंड इट जम्प्स ऑन ट्री, या ट्री पे जम्प करता है। आप सबने कई बार इसको देखा होगा, इसके बड़े बड़े टीथ होते हैं, इसकी एक लंबी सी टेल होती है और इसके 2 हैंड 2 लेग होते हैं। समटाइम इट लुक लाइक अ ह्यूमन बींग, यानी कभी कभी ये हमारे जैसा दिखता है, लेकिन इसका जो फेस होता है वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है। एंड साथ ही साथ इसका फेस दिखता है ह्यूमन बींग के जैसा, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है वो दिखती है एनिमल के जैसा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लें, एम से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड मेरे हैंड में है फर्स्ट वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? मंकी। उसके बाद में आता है एक और वर्ड जो कि है एक फ्रूट, या यू नो व्हाट इज दिस, यू जस्ट सी एंड टेल मी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फ्रूट्स नेम, आपने ऑलरेडी फ्रूट्स नेम में स्टडी कर लिया होगा कि इस वाले फ्रूट को हम क्या बोलते हैं। इसका फर्स्ट लेटर होता है एम, यानी कि ये वर्ड भी स्टार्ट होता है एम से। इसको हम क्या बोलते हैं? मैंगो। यस, एम फॉर मैंगो। यस, दिस इज येलो, येलो मैंगो। सो यू कैन से This is M and M for mango. So, अभी हमने M से स्टार्ट होने वाले 2 वर्ड्स को सीख लिया है। कौन कौन सा वर्ड सीखा है? सबसे पहला हमने सीखा है मंकी, इट्स अ एनिमल, एंड उसके बाद हमने सीखा है नेम ऑफ अ फ्रूट, या इट इज मैंगो। एंड आफ्टर दैट देयर इज वन मोर वर्ड, दैट इज मैट। यस, M for mat, जिसको हम बिछा के उस पर बैठते हैं। जब भी हम डाउन में बैठते हैं कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, कुछ खेलने के लिए, इंडोर गेम्स, तो उस टाइमिंग में नीचे हम क्या बिछा देते हैं? फर्स्ट पे एक मैट बिछाते हैं जिसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? एम, यानी कि एम फॉर मैट। सो हियर वी लर्नड 3 वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम। फर्स्ट वन इज मंकी, सेकंड वर्ड इज मैंगो, एंड थर्ड वन इज मैट। सो हम लोगों ने यहाँ पे 3 वर्ड्स लर्न कर लिए हैं एम से स्टार्ट होने वाले। अभी बारी आती है राइटिंग वर्क की, तो चलते हैं और देखते हैं कि एम को अपने इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखते हैं। आफ्टर लर्निंग 3 वर्ड्स फ्रॉम एम, अब हम देखेंगे कि एम को अपने इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि एम के पैटर्न को जानना, कि एम का पैटर्न बेसिकली होता कैसा है, एंड उसके बाद में हम इसको लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे कि जो एम है उसके लिए पहले हमें जरूरत पड़ती है एक स्टैंडिंग लाइन की, लाइक दैट। आफ्टर दैट वन वर्टिकल लाइन, एंड उसी वर्टिकल लाइन से ज्वाइंट किए हुए एक और वर्टिकल लाइन, एंड उसके बाद में सेकेंड वर्टिकल लाइन से ज्वाइंट करते हुए एक और स्टैंडिंग लाइन। यानी कि हमें यहाँ पे कितनी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है? 4 चीजों की, 2 वर्टिकल्स लाइन एंड 2 स्टैंडिंग लाइन। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल हैंडराइटिंग में है, जिसको हमें टच नहीं करना है, जो नीचे में जो ब्लड लिखा हुआ है उसको हम डार्क करेंगे और देखेंगे कि एम को हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको पेंसिल से इसको ओवरराइट करना है और आपको बनाना है एक स्टैंडिंग लाइन जैसा मैंने बनाया। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन के ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक बनाओगे आप वर्टिकल लाइन। आफ्टर दैट कनेक्टेड टू दैट वर्टिकल लाइन देयर विल बी वन मोर वर्टिकल लाइन लाइक दैट, एंड उसके बाद में सेकेंड वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करके हम बना देंगे एक स्टैंडिंग लाइन। आपको इसको 2-3 times ओवरराइड करना है, एंड ओवरराइड करने के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो एम का पैटर्न होता है वो बेसिकली होता कैसा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन, एंड उसके बाद वन मोर वर्टिकल लाइन, एंड उसके बाद वन मोर स्टैंडिंग लाइन।
सो ट्रस्ट राइटिंग वन के बाद बारी आती है ट्रस्ट राइटिंग टू में। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्रस्ट राइटिंग टू में हम लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं और सीखते हैं कि किसी भी लेटर को हम थ्री लाइन्स में कैसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो एम है वो इसमें लिखा गया है थ्री लाइन्स में, और इसको फॉलो करते हुए जो एम यहाँ पे ब्लड में लिखा गया है उसको हमें ओवरराइड करना है और देखना है कि एम को हम बेसिकली थ्री लाइन में लिखेंगे कैसे। सो जस्ट लुक एट हियर, फर्स्ट हम इसको ओवरराइड करेंगे, हम क्या बनाएंगे यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, ओके। उसके बाद होगा वर्टिकल लाइन, फिर से वर्टिकल लाइन एंड फिर एक स्टैंडिंग लाइन। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान देना है कि जो रेड वाली लाइन जो ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड थर्ड लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट आपको थ्री लाइन वन टू थ्री लाइन के बीच में लिखना है एम को। फिर से देख लेते हैं, स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, अगेन वर्टिकल लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। एंड तीनों जो लाइन्स होंगे सबके साइज इक्वली चलेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाइन है, फिर ये टू लाइन से आप जॉइंट है एंड फिर थर्ड स्टैंडिंग लाइन है। इस तरीके से पूरे एम को आपको ब्लड से ओवरराइड करके इसको डार्क करना है और लिखना है एम को थ्री लाइन में। पहले बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लंट लाइन, अगेन स्लंट लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। अगेन देख लेंगे एक बार और, स्टैंडिंग लाइन, स्लंट लाइन, स्लंट लाइन एंड फिर से स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से पूरे पेज को आपको कंप्लीट करना है और वहां पे एम को प्रॉपरली थ्री लाइन में लिखना सीखना है। सो ट्रस्ट राइटिंग के बाद में राइटिंग की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है लास्ट, उसको हम बोलते हैं डॉट राइटिंग। इसमें हम सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव करते हैं और इसमें देखेंगे कि डॉट को ज्वाइन करिए कैसे हम एम को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि डॉट्स कितने दिए हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे फाइव डॉट्स है। तो सबसे पहले हमें इस और इस ज्वाइंट को डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बनाना होगा एक स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद इस डॉट से इस डॉट को ज्वाइन करते हुए बनाना होगा एक वर्टिकल लाइन ऐसे, एंड फिर इस डॉट से इसको ज्वाइन करके बनाना होगा एक और वर्टिकल लाइन, एंड आफ्टर दैट दोनों डॉट्स को हम लास्ट में ज्वाइन करते हुए बना देंगे एक स्टैंडिंग लाइन। ओके, अगेन यू सी दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट विल ज्वाइन दिस डॉट विद दिस डॉट एंड मेक अ वर्टिकल लाइन, देन अगेन विल मेक वन मोर वर्टिकल लाइन एंड आफ्टर दैट विल मेक अ स्टैंडिंग लाइन। ओके, बट यू मस्ट बी केयरफुल दैन यू शुड नॉट राइट इसके बाहर नहीं एंड इसके नीचे नहीं लिखना है। आफ्टर दैट वन मोर टाइम विल सी, फर्स्ट विल ज्वाइन बोथ द डॉट्स एंड मेक अ स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैट we will join this dot to this dot and will make a vertical line, after that again we'll join this dot with this dot and will make a vertical line again, and after that making a this vertical line will make one more standing line by jointing last dot, okay, and this type you can make m. so is tarike se aap m ko pure page mein bana sakte ho. so kids here we have learned about m. m se start hone wale 30 words ko humne jaan liya, साथ ही साथ एम को हम अपने इंग्लिश कॉपी में कैसे लिखेंगे भी हमने सीख लिया, इसके पैटर्न को भी जान लिया। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट लेटर की, यानी कि एम के जस्ट बाद में कौन सा लेटर आता है, दैट इज एन। यू कैन सी दिस इज ग्रीन ग्रीन एन, यह है एन जो कि एम के जस्ट बाद में आता है। यू कैन सी दिस ऑलवेज हम इस जब ऑर्डर में लिखते हैं तो एम के बाद हमेशा हम एन को लिखेंगे या फिर एन के पहले हम हमेशा किसको लिखेंगे, एम को। सो एम को यहाँ पे हम लोग देते हैं एंड पढ़ते हैं एन के बारे में। सो अगेन टेल मी दिस इज विच लेटर, दिस इज एन, यस। एंड लाइक एम देर आर सो मेनी वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद एन, बट वी विल लर्न हियर ओनली थ्री वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड जो कि मेरे हैंड में है जो कि स्टार्ट होता है एन से, दैट इज नेस्ट। यू कैन सी देर आर थ्री एग्स इन दिस नेस्ट। सो नेस्ट बेसिकली बर्ड्स का हाउस होता है जहां पे वो रहते हैं, उनके बेबीज रहते हैं एंड साथ ही साथ वो अपने एग को भी उस नेस्ट में देते हैं। सो नेस्ट इज अ हाउस ऑफ बर्ड्स। सो अगेन विल सी दैट एन फॉर नेस्ट, एंड आफ्टर दैट देर आर टू मेनी वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ एन। फर्स्ट वन इज नेट, जो कि मेरे हैंड में जिसका पिक्चर है, जो थिंग है वो क्या है, कैन यू से दिस, दिस इज नोटबुक। तो हम बोल सकते हैं कि एन फॉर नोटबुक, एन फॉर नेट एंड एन फॉर नेस्ट। तो यहाँ पे हमने एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स को सीखे, थ्री वर्ड्स को। कौन कौन से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट हमने सीखा एन फॉर नेस्ट, सेकेंड हमने सीखा एन फॉर नेट एंड थर्ड सीखा हमने एन फॉर नोटबुक। आफ्टर दिस ओरल वर्क नाउ टाइम फॉर सम राइटिंग वर्क, नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी हाउ विल वी राइट एन इन आवर इंग्लिश कॉपीज।
सो एन के बारे में आपने ओरल में जान लिया होगा, अब हम चलते हैं कि एन को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश कॉपी में। सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि इसका पैटर्न कैसा होता है। तो जैसा हमने एम में देखा था कि एम में होते हैं फोर लाइंस, टू वर्टिकल एंड टू स्टैंडिंग। थोड़ा सा इसमें सिमिलैरिटीज होती है एम के जैसा, लेकिन इक्वल नहीं होता है। इसमें होते हैं टू स्टैंडिंग लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन। देख लेते हैं कैसे होते हैं। पहले हम इसको ओवरराइड करेंगे, बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन ऐसे, एंड उसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन। ओके, आपको इसको टू टाइम थ्री टाइम ओवरराइड करना है। एक फिर से देख लेते हैं, हम पहले बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, एंड उसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन। जो एम होता है एम में टू वर्टिकल एंड टू स्टैंडिंग लाइन होती है, लेकिन जो एन में टू स्टैंडिंग एंड वन वर्टिकल लाइन्स होती है। सो यहाँ पे हम सीखेंगे ट्रेस राइटिंग टू में कि एन को थ्री लाइन में कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट में आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखी गई है उसको हमें टच नहीं करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो ब्लड में है उसको हमें ओवर एड करते हुए एन को बनाना है, लेकिन हमें थ्री लाइन्स के बाहर नहीं लिखना है। सो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन। ओके, आफ्टर दैट वन वर्टिकल लाइन, आफ्टर दैट वन मोर स्टैंडिंग लाइन। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके बाहर नहीं और थ्री लाइन के, थर्ड लाइन के सॉरी नीचे नहीं। फिर से हम देख लेंगे, पहले हम बनाएंगे वन स्टैंडिंग लाइन एंड फिर वन वर्टिकल, अगेन स्टैंडिंग लाइन, लाइक दैट वन स्टैंडिंग लाइन, वन वर्टिकल लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन अगेन। सो वन मोर टाइम यू विल सी, फर्स्ट हमें क्या बनाना होगा, एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन एंड उसके बाद एक और स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से हमारा एन बन जाएगा। तो जैसा ये हमने ओवरराइड किया वैसे ही पूरे पेज को आपको ओवरराइड करना है और एन को लिखना है थ्री लाइंस में। आफ्टर ट्रेस राइटिंग टू देयर इज डॉट राइटिंग, यानी कि ये किसी भी राइटिंग का लास्ट प्रोसेस होता है। इसके थ्रू हम सिर्फ राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे और देखेंगे कि एन को हम बिना किसी ब्लर हैंड राइटिंग के डॉट्स को ज्वाइन करते हुए कैसे एन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे डॉट्स कितने गिवन है, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे डॉट्स दिए गए हैं फोर। कैसे बनाएंगे हम इन फोर डॉट्स के माध्यम से एन को, पहले इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक बना देंगे स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद इस वाले डॉट को इस डॉट से ज्वाइंट करेंगे और बनाएंगे एक वर्टिकल लाइन। आफ्टर दैट वी विल ज्वाइन दिस डॉट विद दिस डॉट एंड विल मेक अ स्टैंडिंग लाइन। एन बना, वन मोर टाइम, फर्स्ट विल ज्वाइन बोथ द डॉट एंड मेक अ स्टैंडिंग लाइन, आफ्टर दैन विल मेक अ वर्टिकल लाइन एंड उसके बाद हम बनाएंगे एक और स्टैंडिंग लाइन। फिर से देख लेते हैं, वन स्टैंडिंग लाइन बाय जॉइनिंग दिस डॉट एंड आफ्टर दैट वन वर्टिकल लाइन एंड आफ्टर दैट वन मोर स्टैंडिंग लाइन। एंड किड्स, यहाँ पे हमने एम एंड एन को अच्छे से पढ़ लिया है। अब बारी आती है इस सेशन के लास्ट लेटर के बारे में। तो ये जो लेटर मेरे हैंड में है ये आता है एन के जस्ट बाद में, इसको हम क्या बोलते हैं, ओ। Yes, this is like a circle, but it is not a circle. It is O. ये बहुत ही राउंड राउंड होता है, गोल होता है चारों तरफ से। इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। इसको हम बोलते हैं O. And like M and N, there are so much words जो कि start होता है O से, लेकिन हमें कितने words पढ़ने हैं, सिर्फ three words. तो there are three words in my hand. उसमें सबसे पहले word को देखेंगे जो कि start होता है O से, that is a this picture. You can see this. This is the name of a fruit. It is an orange. यानी कि यह पिक्चर है ऑरेंज का। यह क्या है, ऑरेंज, जो कि है इन ऑरेंज कलर। यह स्टार्ट होता है ओ से, यानी कि ओ फॉर ऑरेंज। यू सी अगेन, ओ फॉर ऑरेंज। आफ्टर दैट देर आर टू मेनी वर्ड्स जो कि स्टार्ट होते हैं ओ से। उसके बाद है दिस इज अ बर्ड, यू नो दिस, I think you already know because you have learned already bird's name. So you must tell me that this is the name of which? Yeah, this is an owl. यह क्या है, एक owl है जो कि basically night में fly करता है, days में इसको दिखाई नहीं देता है। इसका भी जो first letter होता है वो क्या होता है, O. यानी कि O for owl also. First one is O for orange and second one is O for owl. After that there is one more word जो कि start होता है O से, that is, it is also a bird जो कि start होता है O से। इसका नाम क्या है, आप इसको ध्यान से देखो, just have a look of this. This is ostrich. Yeah, ये भी क्या है, एक bird है जिसका first letter क्या होता है, O. So
ओसे स्टार्ट होने वाले थ्री वर्ड्स को हमने अच्छे से लर्न कर लिया है. कौन कौन से वर्ड्स को हम यहाँ पे लर्न किए? सबसे फर्स्ट था ऑरेंज, आफ्टर दैट आउल, एंड थर्ड वन वॉज ऑस्ट्रिच. तो होपिंग कि आपने एम एन एंड ओ से स्टार्ट होने वाले तीनों वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लिया होगा, सबके नेम को. एंड अब बारी आती है कि ओ को हम अपने इंग्लिश की कॉपी में कैसे लिखेंगे. सो कम विथ मी एंड नाउ विल सी हाउ विल यू राइट ओ इन योर इंग्लिश कॉपी. सो किड्स, अभी हमने ओ से स्टार्ट होने वाले थ्री वर्ड्स को पढ़ लिया है. अब बारी आती है इसके रिटन वर्क की. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओ का पैटर्न कैसा होता है. तो ओ का पैटर्न बहुत ही इजी है. हमें सिर्फ बनाना है एक राउंड राउंड सर्कल. दैट इज सो इजी, यू कैन मेक इट इजीली. सो यहाँ पे ओ ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसको ओवरराइड करेंगे और इसको हम क्या बनाएंगे, ओ. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बनाना होगा, एक राउंड राउंड सर्कल. यस, यू हैव टू ऑलवेज मेक अ सर्कल व्हेन यू विल मेक अ ओ. तो जो हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ओ. ओके, सो ट्रेस राइटिंग वन में हम जान गए इसके पैटर्न के बारे में. इसका पैटर्न कैसा होता है, राउंड राउंड सर्कल जैसा. इसके बाद बारी आती है ट्रेस राइटिंग टू की. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको, यानी कि इस ओ को हम थ्री लाइन में कैसे लिखेंगे. सो फर्स्ट वाले लाइन में आपको दिख रहा होगा जो कि नॉर्मल हैंड राइटिंग में है, उसके बाद ब्लर में है जिसको हम ओवरराइट करेंगे ऐसा, लेकिन थ्री लाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम यहाँ पे थ्री लाइन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमें जो भी लेटर लिखना होगा उसको हमें थ्री लाइन में लिखना होगा. तो फर्स्ट से थर्ड लाइन के बीच में ओ को हम बनाएंगे. फर्स्ट लाइन के ऊपर और थर्ड लाइन के नीचे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए. ओके, लाइक दैट. ये हमारा क्या बन गया, ओ. यस, यू कैन से दिस इज ओ. यू हैव टू बी केयरफुल कि ऊपर के लाइन से ऊपर और नीचे के लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए. हमें हमेशा थ्री लाइन को फॉलो करते हुए क्या बनाना होगा, ओ को. ये हो गया ट्रेस राइटिंग टू. सो ट्रेस राइटिंग टू के बाद में बारी आती है डॉट राइटिंग की. इस पे हम सेल्फ राइटिंग लिखेंगे, यानी कि टू डॉट्स यहाँ पे गिवन है, इन टू डॉट्स को ज्वाइंट करते हुए हम क्या बनाएंगे, सर्कल. क्या बनाएंगे, राउंड राउंड सर्कल. तो कैसे बनाएंगे, पहले हम इस वाले लाइन से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन से बनाना, एंड थ्रू आउट दिस डॉट विल मेक अ सर्कल. मतलब कि हम क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे. इस डॉट से हम स्टार्ट करेंगे लिखना और इसको हम राउंड राउंड घुमा के इस डॉट के थ्रू एक बना देंगे सर्कल, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ओ. एक बार फिर से आप देख लो, इस डॉट से इस डॉट को मिलाते हुए हम क्या बनाएंगे, एक राउंड राउंड, ओ. यस, तो ये हमारा क्या बन गया, ओ. सो किड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. होपिंग आपने प्रीवियस सेशन की तरह आज के सेशन को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, एंड साथ ही साथ जो थ्री लेटर्स आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर ली होगी. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट थ्री लेटर्स के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर.